Hello students, today we will read the chapter number 3. The story name is At School. In the last class we read up to the first page of the story, so today we will start from the second page, means page number 25. Okay, so please all open your book and start to read the story. But you walk so slowly, it said mother. Okay, mother said that. I can walk faster than you think, said the mother. Maan ne kya kaha ki main tumse zyada, तुम जितना सोच रहे हो उससे जल्दी चल सकती हो. सो दे स्टार्टेड, द चाइल्ड लीपिंग एंड रनिंग एंड द मदर मार्चिंग ब्रेवली इन क्विक स्टेप्स. ओके, सो उन्होंने चलना शुरू किया. वो बच्चा जो था वो ऊंची ऊंची छलांग मारने लगा और दौड़ने लगा, और उसकी मम्मी जो थी वो जल्द कदमों से बहुत जल्दी जल्दी में आगे बढ़ने लगी. ओके, द चाइल्ड डांस्ड ऑन अहेड. जो बच्चा था वो नाचते हुए आगे बढ़ते रहा. एंड प्रेजेंटली ही सॉ ए चैरियट कमिंग टूवर्ड्स हिम ड्रॉन बाय ब्यूटीफुल वाइट हॉर्सेस. ओके, यानी कि तभी उसने देखा कि एक रथ उसके तरफ आ रहा है जो कि सफ़ेद, बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ों से खींचा रहा था वो रथ. इन द कैरियट सैट ए स्प्लेंडिड लेडी इन वेलवेट एंड फर्स विथ वाइट प्लम्स वेविंग अबव हर डार्क हेयर. वो रथ जो था, वो रथ में एक शानदार औरत बैठी हुई थी, मखमल और फर में, और उसके बालों पे, उसके गाढ़े रंग के बालों पे जो सफेद रंग का पंख होता है वो वेव कर रहा था, यानी कि उसमें तरंग खा रहा था. एज शी मूव्ड इन हर सीट शी फ्लैश्ड विथ ज्वेल्स एंड गोल्ड बट हर आइज वेर ब्राइटर देन हर डायमंड्स. वो जब अपनी सीट पे बैठ के हिल रही थी तो वो उसके उसके जेवर और सोना जो था वो उसने पहना था वो बहुत ही चमक रहा था, लेकिन उसकी जो आँखें थी वो उसके हीरा डायमंड्स यानी कि हीरो से भी ज़्यादा ब्राइटर था, यानी उज्जवल था. आर यू एन एंजल, आस्क द चाइल्ड रनिंग अप एंड बिसाइड द कैरियर. यानी कि बच्चा जो था वो दौड़ के रथ के पास गया, रथ के पास खड़ा हो गया और उससे पूछा, क्या तुम एक एंजल हो. द लेडी मेड नो रिप्लाई बट स्टार्टेड कोल्डली एट द चाइल्ड. जो लेडी थी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से बच्चे को घूरने लगी. देन शी स्पोक ए वर्ड टू हर कोचमैन. वो जो थी वो अपने कोचमैन को कुछ कही. कोचमैन मतलब जो घोड़ा, जो रथ को चला रहा था, घोड़ों को चला रहा था. एंड ही फ्लिक्ड हिज व्हिप एंड द कैरियट रोल अवे स्विफ्टली इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड डिसअपीयर्ड. यानी कि वो जो उसका कोचमैन था वो उसने अपना चाबुक घोड़े पे घुमाया और वो जो रथ था वो चलते हुए डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट में, यानी कि गंदे धुओं के बादल में, धुओं की नहीं, डस्ट के बादल में, गंदगी या धूल मिट्टी के बादल में वो चला गया, धूल
रास्ते पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, उसमें से वो गायब हो गया। द डस्ट फील्ड द चाइल्ड्स आई एंड माउथ एंड मेड हिम चोक एंड स्नीज। जो धूल मिट्टी थी वो बच्चे की आँखों में और मुंह में चली गई और उसे छींक और खांसी आने लगी। ही गैस्ड फॉर ब्रीथ एंड रब्ड हिज आईज बट प्रेजेंटली हिज मदर केम अप। वो सांसें जोर जोर से सांसें लेने लगा और अपने आँखों को मसला, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पे आई एंड वाइप्ड अवे द डस्ट विथ हर ब्लू गिंगम एप्रन। यानी कि वो अपने कपड़े से अपने एप्रन से उसने अपने बच्चे की आँखों को पोछा। दैट वाइप्ड अवे, पोछा नहीं, उसके मुंह के सामने से डस्ट को हटा दिया। दैट वॉज नॉट एन एंजल, सेड द चाइल्ड। बच्चे ने बोला ये एंजल नहीं था। नो इंडीड, सेड द मदर, नथिंग लाइक वन। माँ ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। द चाइल्ड डांस्ड ऑन अगेन, लिपिंग एंड रनिंग फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ द रोड एंड द मदर फॉलोड एट एज बेस्ट एज शी कुड। जो बच्चा था वो फिर से नाचने लगा और कूदते हुए दौड़ने लगा रोड के साइड साइड में, और उसकी माँ जो थी उसे जितना अच्छे से हो सके उसे फॉलो करके उसके पीछे चलने लगी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स विल रीड दिस मंथ टुडे, टुमोरो वी विल फिनिश दिस स्टोरी एंड यू शुड रीड दिस स्टोरी बाय योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे सेफ एंड डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर हाउस। बाय ऑल।